शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आज बड़ा तोहफा देंगे। सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी नगर निकाय 231 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। वहीं इन राशियों का उपयोग विभिन्न निकाय विकास सहित स्वच्छता पेयजल योजना से अन्य आवश्यकताओं पर खर्च किया जाएगा। इनमें से ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और नगर निकायों को 432 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित की जाएगी, जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निकायों को 499 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इसके साथ ही नगर निकाय के विकास मॉडल को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि नगर निकायों के लिए सीएम शिवराज कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं सोहन सिंह। सोहन, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के विकास को लेकर कई सारी सौगातें दे रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और ऐसे में नगर निकायों को लेकर भी बड़ी सौगात आज देने जाने वाले हैं। क्या है कार्यक्रम पूरा? आज नगरीय निकायों को जो विकास कार्यों की सौगात देंगे, 931 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, विकास में ये राशि जो सहयोग करेगी। और 12:30 बजे मंत्रालय में बीसी के जरिए कार्यक्रम होगा, जिसमें राशि ट्रांसफर करेंगे। अब अगर बात करें इस राशि का उपयोग सदुपयोग कैसे होगा, तो जो विकास कार्य है नगरीय निकायों में, उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो एयर क्वालिटी, मतलब की स्वच्छ हवा है उसको लेके, और साथ में पेयजल योजना हो, सीवरेज हो, साथ में स्वच्छता के जो काम है या स्थानीय जो नगरीय निकायों में काम होते हैं, उनके काम जो है इन राशि से इस मकसद से सकेंगे, तो कह सकते हैं एक बड़ी सौगात है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो नगरीय निकाय है या प्रशासन है, वो जो है हमेशा ये बात कहता है कि हम काम कर रहे हैं, पैसों की कमी भी कभी कभी आ रही आती है, लेकिन अब इतनी बड़ी सौगात जो है मिल रही है, 10 लाख की आबादी वाले जो शहर है उनको ही मिल रही है, जो कम आबादी वाले शहर है उनको भी मिल रही है, मतलब कह सकते हैं कोई भेदभाव नहीं है, सभी को विकास के लिए जो राशि है शिवराज सिंह चौहान ट्रांसफर करेंगे। विकास मॉडल को लेकर स्थानीय अधिकारियों से संबंधित जो लोग हैं जुड़ेंगे, उसमें शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे, तो बड़ी राशि बड़ी सौगात जो है बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से एक बात कई सौगातें सीएम शिवराज से देते जा रहे हैं, 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे निकायों के विकास को लेकर, विकास मॉडल बनाने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब सौगातें होती हैं तो नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर भी देखा जाता है, उसको लेकर भी सुख उठाते हैं सोहन। देखिए, अगर फिलहाल अभी नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो अभी जो है स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं अगर आगामी चुनावों की बात करें तो सबसे पहले जो है त्रिस्तरीय उसमें देखा जाए तो पंचायत चुनाव जो है पहले होने की संभावना है जताई जा रही है, उसके बाद जो नगरीय निकाय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर बात करें सत्ता के क्वार्टर फाइनल की बात करें, सेमीफाइनल की बात करें, तो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम चुनाव है या कहें कि जो फाइनल है मिशन 2023, उसको इससे जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है विकास की बात हो और विकास के नाम पे ही इस बार जो है वोट मांगे जाएंगे। हमेशा हमेशा आप देखते हैं जाति समीकरण हो, अन्य समीकरण हो, उसको लेके तो वोट मांगे ही जाते हैं, और इस बार भी जाति समीकरण काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है, सबसे महत्वपूर्ण अगर काम है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि विकास के नाम पे जो है वोट मिले और विकास के नाम पे सरकार को भरोसा हो, और विकास के लिए ही आज जो है ये सौगात जो है करोड़ों की सौगात नगरीय निकाय को सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद सोहन। तो आज बड़ी सौगात देने जाने वाले हैं, 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित की जाएगी निकाय को लेकर, स्वच्छता पेयजल योजना से अन्य आवश्यकताओं की खर्चे से पूर्ति की जाएगी, जनसंख्या अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से निकाय को लेकर राशि आवंटित की जाएगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर राशि अंतरित करेंगे।